कैया में समाप्त हो जाती है। यहाँ माता जी के दरबार, यहाँ के हमारे इन संतों ने इस स्थान को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया है, वह एक बहुत सराहनीय प्रयास है। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। भारत के अंदर हजारों ऐसी उपासना विधियां हैं, पंथ और संप्रदाय हैं, उनके पूजा पाठ में, उनकी उपासना विधि में व्यापक अंतर है। लेकिन जब भारत की राष्ट्रीयता की बात होती है, अपनी उपासना विधि से ऊपर उठ करके भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। वे लोग सभी मिलकर के उससे ऊपर उठ करके कार्य करते हैं। 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन है। इस देश का हर मत और पंथ संप्रदाय का अनुयायी इस अवसर पर प्रयागराज में पहुंचेगा। आप देखेंगे उस अवसर पर कि भले ही उनके अखाड़ों के दायरे में रहकर के उनकी उपासना विधि, उनके रहन सहन, उनकी अपनी पद्धतियां होंगी, लेकिन वे जब संगम में स्नान करने के लिए जाएंगे, संगम में डुबकी लगाने के लिए जाएंगे, तो सब एक भाव और एक भंगिमा के साथ भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने के संकल्प के साथ ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। पंडित जी के बारे में तो हम आपको बाद में बताएंगे ही, पर हम अनुग्रहित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, जो उन्होंने